भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा। असली लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन में, और कोई मतलब चाचा का आशीर्वाद का उम्मीद है भविष्य में? चाचा फिर आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उम्मीद है? नहीं नहीं, आशीर्वाद क्या है, अब हम तो अब वो दे ना दे, मेरा तो फर्ज बनता है उनको सम्मान देना और वो हम देते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने जन विश्वास यात्रा को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं जब उनसे सवाल किया गया AIM को लेकर नीतीश कुमार के पाला बदलने एवं बीते दिन स्कॉट गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इस वीडियो में सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। इसके बाद भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और मुंगेर वहीं रात्रि विश्राम होगी, तो लोगों का अपार समर्थन जो है मिल रहा है, चाहे किसी भी धर्म के हों, हर जात के हों, हर वर्ग के लोगों का प्यार मिला है। और यही कारण है कि समय से हम लोग पीछे चल रहे हैं। भीड़ इतना हो रहा है लोगों का कि हम लोगों को समय पर कार्यक्रम जो है नहीं हो पा रहा, काफ़ी देर रात तक हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन समय पर ना भी होने के कारण लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा भी वेट कर रहे हैं। और लोग जो हैं तब भी रात के अंधेरे में भी 12 बजे 2 बजे लोग खड़े रहते हैं, तो लोगों का ये प्यार है और एक विश्वास है, और इस विश्वास पे हम लोगों को खड़े उतरना है। तो जिस विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है उसको बिहार में रोकना है, यही काम मकसद है हम लोगों का। सर पिछले बार AIM गच्चा देके गया सर, AIM का कहर था पिछले बार इस इलाके में, इस बार किस तरह से देखेंगे उसको, किस तरह क्या करेंगे? नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल नहीं। असली लड़ाई यहाँ एनडीए और महागठबंधन में, और कोई मतलब सर रात में रोड एक्सीडेंट में स्कॉट गाड़ी में एक की हमको सूचना मिला है, कल रात में जो है एक स्कॉट गाड़ी में जो ड्राइवर थे उनका निधन हुआ है, कई लोग जो है घायल हुए हैं। तो हम एक पहले एक बार जवाब दें, हमने अपने पार्टी के लोगों को बोला है कि जिनका डेथ हुआ है ये काफ़ी दुखद है जो घटना हुई है, तो नंबर उनके परिजनों का हम मंगवा दें, उनसे भी बात करें। सर चाचा साथ छोड़ के कितना चुनौती है? सर चाचा आप साथ छोड़ के गए, सर चाचा आप आपका साथ छोड़ के गए, भाजपा को रोकना कितना बड़ा चुनौती है? नहीं चुनौती नहीं है, जो झंडा वो उठाए थे हम उठाए, और कोई पहली बार लड़ रहे हैं क्या? चाचा का आशीर्वाद का उम्मीद है भविष्य में? चाचा फिर आशीर्वाद देंगे, इस तरह का उम्मीद है? नहीं नहीं, आशीर्वाद क्या है, अब हम तो अब वो दे ना दे, मेरा तो फर्ज बनता है उनको सम्मान देना और वो हम देते नहीं। लोकसभा चुनाव में 40 सीट पे क्या लग रहा है? अब तो आने वाला आप लोग आकलन करते हैं, बहुत बढ़िया, आप ही लोग आकलन की। सर रेड पड़ रहा है भोजपुर में किरण देवी विधायक, तो क्या फर्क पड़ रहा है? जब भी ED CBI इनकम टैक्स काम कर रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ, तो आप समझ जाइए कि भाजपा के लोग घबराए हुए हैं, और आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को, जिन्होंने अपने जनविश्वास यात्रा को लेकर बताया कि किस तरीके से लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, उन्हें हर जाति हर धर्म के लोग उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी जो जनविश्वास यात्रा है वो समय से पीछे चल रही है, क्योंकि जहां भी ये यात्रा जा रही है वहां पे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वही जब उनसे बीते दिन स्कॉट गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी मिली है, मुझे पता चला है कि उसमें ड्राइवर का निधन हो गया, जिसको लेकर मैंने अपने पार्टी के लोगों से बात की, उनको कहा कि उस व्यक्ति के घर के उनके परिवार के लोगों का मुझे नंबर दीजिए ताकि मैं बात कर सकूं। जब उनसे सवाल किया गया नीतीश कुमार को लेकर कि क्या लगता है चाचा ने जब पाला बदला तो आपके लिए BJP को रोकना कितना बड़ा चुनौती है, तो उन्होंने कहा कोई चुनौती नहीं है, जो झंडा उन्होंने उठाया था उसको अब हम उठाए हुए हैं। वही जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है भविष्य में एक बार फिर से चाचा का आशीर्वाद मिलेगा, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि वो हमें अपना आशीर्वाद दे या ना दे, हम उन्हें सम्मान हमेशा देंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।